मंत्री बताएं कि क्या शिक्षक कैसे योगदान कर रहे हैं कोरोना से लड़ने में। देखिए, मैंने शुरू से कहा है कि शिक्षक समुदाय बुद्धिजीवी वर्ग हैं और समाज के अंदर ये अपना प्रभाव रखते हैं, इनका सोशल रिस्पेक्ट भी है और ये अगर कोई बात समाज के अंदर बोलते हैं तो लोग उसको गंभीरता से लेता है। इसलिए कोरोना वायरस में का से जो माहौल पैदा हुआ है, जो स्थिति उत्पन्न हुई है, उसमें इनकी भूमिका है। ये इनको इस समय में इनकी भूमिका ये बनती है कि समाज के अंदर जा कर के लोगों में जागरूकता फैलाएं, अवेयरनेस लाएं, और चूँकि इनके इनकी बातों को लोग सुनता है बहुत अच्छा से, गंभीरता से सुनता है और इज्जत भी देता है इनको, इसलिए हम चाहते हैं कि ये शिक्षकगण जो समाज के एक बहुत ही जिम्मेवार नागरिक हैं, और ऐसा संकट आया हुआ है कोरोना का जिससे पूरा विश्व जूझ रहा है, बिहार भी जूझ रहा है, ऐसे समय में इनको हड़ताल से वापस आकर के अपने सामाजिक दायित्व जो है उसका निर्वहन करना चाहिए उनको। और जब सामान्य स्थिति हो जाएगी तो हम लोग आपस में तो लड़ते झगड़ते रहेंगे, मांगेंगे, दिया जाएगा, कम दिया जाएगा, बेसी दिया जाएगा, ये तो सामान्य स्थिति उत्पन्न होने पर ना। शिक्षक कह रहे हैं कि वो अपनी जायज मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं और सरकार दमनात्मक कार्रवाई अपना रही है, तो उनके खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई कर रही है, किसी को बर्खास्त किया जा रहा है, किसी को निलंबित किया जा रहा है, ये तो दमनात्मक कार्रवाई है, फिर कैसे सरकार उम्मीद करती है कि हम आकर सहयोग करें। नहीं नहीं, दमनात्मक कार्रवाई का जहाँ तक सवाल है, कॉपी जब जाँच की जा रही थी उस समय कुछ लोगों ने विरोध किया था, उस समय कुछ कार्रवाई हुई थी, लेकिन फिलहाल तो अब किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं है। और हम बार बार कह रहे हैं कि भाई आप जब सामान्य स्थिति होगी तो हम लोग वार्ता तो करेंगे ही, बिना वार्ता के कोई समस्या का समाधान नहीं होता है और वार्ता से बड़े बड़े समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो जब सामान्य स्थिति हो जाएगी तो हम वार्ता करेंगे, इसलिए सामान्य स्थिति होने तक कोरोना को दिमाग में रख करके सामान्य स्थिति होने तक इन लोगों को हड़ताल से वापस आना चाहिए, अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए और समाज के मुख्य धारा में आना चाहिए। लेकिन आप बताइए कि शिक्षक हड़ताल पर है, इस वजह से सरकार की चुनौती कितनी बड़ी हुई है? दिक्कत तो हो रही है, परेशानी हो रही है, शिक्षक हमारे अंग हैं और ये बहुत से ऐसे अवसरों पर संकट के समय में हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत बखूबी अपने दायित्वों का पालन भी करते हैं। मैंने कहा ना कि इनका चूंकि सोशल रिस्पेक्ट है, समाज में इनकी प्रतिष्ठा नहीं, सोशल रिस्पेक्ट है, समाज में इनकी प्रतिष्ठा है, तो उनकी इज्जत क्यों सरकार नहीं कर रही है? वो कह रहे हैं कि सरकार उनको इज्जत नहीं दे रही है, समान नहीं। सवाल नहीं पैदा होता है, सरकार तो हमेशा कर रही है। हमने बार बार कहा है कि ये नियोजित शिक्षक माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा खड़े किए गए हैं, ये हम लोगों के आदमी हैं और इनके हितों के लिए समय समय पर इनकी वेतन वृद्धि के लिए नीतीश कुमार जी ने सब कुछ किया है और आगे भी करने का हौसला रखते हैं हैसियत के हिसाब से। मंत्री जी, हड़ताल के दौरान 44 शिक्षक मर गए इलाज के अभाव में या और कारणों से, तो आप कह रहे हैं कि सरकार बहुत संवेदनशील है? देखिए, ठीक है, दुखद है, शिक्षक लोगों की मृत्यु हुई होगी, हमने आदेश भी कर दिया है कि ऐसे जो भी शिक्षक जिनके मृत्यु की बात की जा रही है उनको जांचोपरांत, मैंने कहाँ पोस्टेड थे, कहाँ कैसे हुआ, किस तरह से मृत्यु हुई, ये सब वहाँ के जिला शिक्षा प्राधिकारी सबको देखेंगे और सबको जो पैसा दिया जाता है एक्स ग्रेशिया अमाउंट, वो उनको पेमेंट होगा। तो ये सब तो सरकारी संवेदनशीलता है ही, हम आगे भी इनको बहुत सम्मान की नज़र से देखते हैं, हमें इतना भरोसा इन पर है हम लोगों का और ख़ास करके मुख्यमंत्री जी का, और मुख्यमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि ये शिक्षक हमारे शिक्षक हैं, इनके लिए जो कुछ भी करना है हम करेंगे, तो इनको समय देना चाहिए। तो शिक्षकों की मांगे मान सकती है सरकार? सबसे बड़ी मांग है उनका समान कार्य के लिए समान वेतन, क्या ये मानना संभव है? नहीं, बिल्कुल संभव नहीं है, समान काम समान वेतन सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है, उसको कोई कैसे दे सकता है। हाँ, यह चीज है, सम्मानजनक इनके वेतन वृद्धि हो सकती है, लेकिन समान काम समान वेतन वैसा होने से शिक्षा विभाग चलाना मुश्किल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है अपने आदेश में कि जो प्रशिक्षित शिक्षक हैं, जो TTE पास उत्तीर्ण शिक्षक हैं, उनको सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए।
बिल्कुल उस पर तो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, सम्मानजनक ये हम लोग कंसीडर करेंगे, लेकिन अब वो सम्मानजनक क्या होगा, हमारी हैसियत क्या है, हम कितना दे सकते हैं, ये सब देखा जाएगा जब वार्ता होगी, तो इस सारी चीज़ों को देखा जाएगा। अभी कोरोना के चलते सारे स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, लेकिन फिर भी फीस मांगे जा रहे हैं वकील स्कूल द्वारा, बस फीस मांगे जा रहे हैं, सरकार ने 2 महीने का फीस नहीं देने का शायद कहा। तो आप निजी विद्यालयों की बात कर रहे हैं, हाँ तो निजी विद्यालयों के लिए डायरेक्टर प्राइमरी के लेवल से कुछ इशू हुआ है, और ये भी अच्छा नहीं लगता है कि भाई जब क्लासेज नहीं चल रहे हैं तो फीस मांगने की बात थोड़ा सा अजीब लगता है, और हमसे भी बात हुई थी तो हमने कहा था कि इस पर कंसीडर करना चाहिए निजी विद्यालयों को, और निजी विद्यालय इस पर कंसीडर करें ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। अरे जब स्कूल बंद है तो परिवहन शुल्क क्यों लीजिएगा आप, परीक्षा नहीं हो रही है तो परीक्षा शुल्क क्यों लीजिएगा, तो ये सब बात हो रही है, और इस पर एक आदेश डायरेक्टर प्राइमरी के स्तर से निर्गत हुआ है। बात हो रही है कि इस आदेश को कड़ाई से लागू करेगी सरकार? नहीं, इसको लागू किया जाएगा, इसको लागू किया जाएगा, इसको बहुत सख्ती से इसका पालन होगा। कोरोना की क्या हालत है अभी बिहार में? देखिए लगातार बढ़ रहा है मामला, 83 केस हो गया है, 2 लोग मर चुके हैं, फिर भी कंपेरेटिवली हम लोग बहुत सेफ जोन में हैं, चूँकि सरकार ने इसको बहुत गंभीरता से लिया और आनन फानन में सारे उपाय किए गए, सारे जगहों पर लॉकडाउन तो हुआ ही, सारे अधिकारियों को, सारे जिस स्तर के भी हमारे पास आदमी है, सब जहां है वहीं लग गया कि भाई इसको कैसे रोका जाए, तो ये अवेयरनेस बहुत तेज़ी से फैला गांव में, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में, और सब लोग जागृत हो गए। तो सरकार ने जिस तेज़ी से काम लिया, और माननीय मुख्यमंत्री जी एवरी डे इस पर लोगों के साथ बैठक करते रहे, वार्ता करते रहे, और एक एक बात आती रही सामने उसका कैसे यह हल हो, तो ये सब बातें हुई, इसके वजह से बिहार में बहुत तेज़ी से नहीं फैला, लेकिन फिर भी आशंका तो है। मैट्रिक और इंटर की रिजल्ट की कॉपियां नहीं जांची जा रही हैं, कब तक रिजल्ट आ पाए भाई? नहीं, मैं ये इंटर का तो परीक्षा फल प्रकाशित हो गया, हम लोग दे दिया, लेकिन इंटर का, सॉरी मैट्रिक का नहीं हो रहा है, तो अब उसी समय फिर तो कोरोना का मामला आ गया और सब कुछ जैसे पड़ा हुआ है, तो अब देखिए थोड़ा सा नॉर्मल स्थिति होती है तो हम लोग उसको भी रिजल्ट दे देंगे। हम लोग दोनों का चाह था कि रिजल्ट समय पर हो जाए और हो जाता, लेकिन अब बस शिक्षकों से क्या अपील करते हैं आखिरी बार बताइए? शिक्षकों से हम हाथ जोड़ कर अपील करते हैं कि कोरोना को समझिए, कोरोना अगर सबकी जान ले लेगा तो हम आपका वेतन वृद्धि करके क्या करेंगे, इसलिए पहले हम लोगों को कोरोना को देखना है, अपना जीवन सुरक्षित करना है, और जब बचेंगे तो हम लोग मिलजुल करके इस पर बात करके, वार्ता करके सम्मानजनक हल निकालेंगे, लेकिन फिलहाल भगवान के लिए आप, मानवता की सेवा के लिए आप हड़ताल तोड़कर और इस पुनित कार्य में लगें और कोरोना में सरकार का साथ दें कि हम लोग कोरोना को फेस कर सकें। तो आप सुन रहे थे शिक्षा मंत्री को, ये कह रहे हैं कि कुछ करो ना, वापस आ जाओ, कोरोना से लड़ो ना, फिर आपका वेतन भी बढ़ेगा, आपके मान सम्मान का भी ख्याल सरकार रखेगी।